पनीर चिल्ली बनाने के लिए मेरे पास है ये 350 ग्राम्स पनीर है। इसको हम क्यूब्स में या लॉन्ग बेटन साइज़ में कट करेंगे पकौड़ा बनाने के लिए पनीर का। ये 3 मीडियम साइज़ है कैप्सिकम, 4 छोटे मीडियम साइज़ के ऑनियन है, स्प्रिंग ऑनियन फॉर गार्निश, और सॉसेस जैसे कि आपको पता है ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, एनी ब्रांड आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ है ग्रीन चिलीज, 6 से 8 ग्रीन चिलीज है, अदरक है 1-2 इंच टुकड़ा, और ये कुछ गार्लिक है, 2 मीडियम साइज़ के गार्लिक है, जिसे हम गार्लिक और जिंजर को हम दोनों को चॉप करेंगे, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्टिंग पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, 1 अंडा, 3 टेबलस्पून फुल भर के मैदा है, और 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। गाइस सबसे पहले हम ऑनियन को हाफ करके उसके बड्स पूरी तरह निकाल देंगे। उसके बाद हम ऑनियंस को ट्रायंगल्स में काटेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से इसे ट्रायंगल्स में कट कर रहा हूँ सभी ऑनियंस को। उसके बाद हम उसके हर एक पेटल्स को सेपरेट करेंगे इस तरह से। अब पनीर चिल्ली बनाने के लिए ऑनियंस को जुलियन में भी काट सकते हैं या फिर ट्रायंगल्स में भी कट कर सकते हैं। ऑनियंस और कैप्सिकम दोनों की बात कर रहा हूं मैं। के बाद हम कैप्सिकम को हाफ कर लेंगे और उसके बीच के सीड्स इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए मैं किस तरह से निकाल दिया हूँ, इससे आपकी कैप्सिकम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। ये आपको मैंने पहले चिकन लॉलीपॉप की वीडियो में भी बताया है। कैप्सिकम को भी हम ट्रायंगल्स में कट करेंगे। आप इसे डायरेक्ट लंबा लंबा ट्रायंगल्स भी कट कर सकते हैं, या फिर कैप्सिकम अगर छोटी है मीडियम साइज की मतलब, तो उसे आप हाफ करेंगे इस तरह से, और इसके बाद आप इसके ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ये देखिए हमारे कैप्सिकम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं पनीर के पहले लंबे लंबे स्लाइसेस कर लूंगा। मैंने आपको बताया ये पनीर है 350 ग्राम्स। उसके बाद अब इसको स्क्वायर में काट सकते हैं, बेटन्स में कट कर सकते हैं, या फिर इसे भी आप ट्रायंगल्स में भी कट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है आपको इसे कौन से शेप में कट करना है। ये देखिए हमारे स्मॉल बेटन्स रेडी हो चुके हैं पनीर के। इसके बाद हम गार्लिक को चॉप करेंगे। पहले हम गार्लिक को स्मैश करेंगे ताकि उसकी स्किन इजीली निकल जाए। इसके बाद हमें चॉप करने के लिए आसानी हो जाएगी।
जिंजर को हम पील करेंगे और इस तरह से पहले हम स्लाइस करेंगे, ज्यादा थिक स्लाइस नहीं करना है हमें। अब हम इसे जूलियंस में कट करेंगे और उसके बाद हम इसे चॉप करेंगे। ग्रीन चिलीज को हमें स्लांट पोजीशन में स्लाइस करना है। अगर आप ज्यादा ग्रीन चिलीज पसंद करते हैं तो आप इसमें ज्यादा ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं। अब एक बर्तन में हमें एक बैटर बनाना है पनीर को फ्राई करने के लिए। इसमें मैं मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों डालूंगा। ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। एक टेबलस्पून सॉल्ट डालना है। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। याद रखिए आपका बैटर थिन नहीं होना चाहिए, एक एब्सोल्युटली थिक कंसिस्टेंसी में होना चाहिए ताकि आप पनीर को जब फ्राई करेंगे तो उसको अच्छे से कोट हो जाए। मैं इसमें और थोड़ा कॉर्नफ्लावर मैदा डालूंगा, मुझे थोड़ा बैटर थिन लगा इसके लिए। एक अंडा ऐड करेंगे इसमें। अगर आपको अंडा ऐड नहीं करना है तो भी चलेगा। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। अगर आपका बैटर सही है या नहीं है ये आप चेक करेंगे। एक पनीर का पीस इसमें डाल दीजिए और देखिए किस तरह से ये फ्राई हो रहा है। अगर इस वक्त में आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो आप इसमें कर सकते हैं बैटर के अंदर। ये पनीर फ्राई होने के बाद आप इसे जरूर टेस्ट करिएगा ताकि आपको इसमें का जो सॉल्ट है उसका बैटर है किस तरह से हुआ है ये आप जान सकते हैं। हमारा पनीर बिल्कुल भी क्रिस्पी हुआ है। मैं हाथ इसलिए लगा के चेक कर रहा हूं कि ये देखिए ऐसे मारने पे इसमें आवाज भी आ रही है। अब हम बाकी के पनीर को इसमें फ्राई करेंगे। मैं एक टाइम पे दो या तीन पनीर तेल में डाल रहा हूं। पनीर को तेल में डालने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कम से कम एक मिनट के लिए उसे वैसे ही फ्राई होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आप उसमें कुछ भी आपका लैडल वगैरह डालेंगे तो उसका बैटर
जो कोट हुआ था वो निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद आप एक करछी की मदद से जो पनीर स्टिक हुआ था ऑयल के अंदर उसे आप ब्रेक करेंगे और हमें इसे लाइट गोल्डन कलर में लेके आना है। ये देखिए बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। ऑयल से निकालने के बाद भी ये थोड़ी देर इसका कुकिंग प्रोसेस जरूर चलेगा और इसमें थोड़ा कलर भी चेंज होगा। ये देखिए किस तरह से बेहतरीन गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पनीर को। नॉर्मली आप एक वोक में बनाएंगे, चाइनीज डिशेस को बनाते हैं, बट मेरे पास वोक नहीं है तो मैं इस बर्तन में पनीर चिल्ली को बनाऊंगा। जो तेल गर्म हुआ था फ्राई करने के लिए हमने यूज किया था वही तेल हम इस बर्तन में डालेंगे। बड़ा बर्तन लेंगे तो आपको मिक्सिंग करने के लिए बहुत आसानी होगी। 3 लेडर स्पून ऑयल लिया है मैंने, तो ऑयल भी गर्म है, नीचे गैस भी चालू है। अब इस गर्म तेल में मैं डालूंगा जिंजर और गार्लिक, हम साथ में डालेंगे सौते करने के लिए। आपके अदरक या लहसुन थोड़ी ज्यादा होने पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से सौते करेंगे इसे गोल्डन कलर में, गोल्डन ब्राउन कलर में। अब हमारी कटी हुई ग्रीन चिलीज को हम इसमें डालेंगे। मैंने पहले भी कहा था आपको ग्रीन चिलीज और यूज करना है, 2 या 4 आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये डिश का नाम ही पनीर चिल्ली है। ये देखिए कैप्सिकम ट्रायंगल्स को मैंने इसमें डाल दिया है। एक 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करेंगे। गैस को हाई रखना है, हाई फ्लेम पर। इसके बाद हम डालेंगे ये ऑनियन पेटल्स को, इसे हमने ट्रायंगल शेप में काटा था। मैं इसे उंगलियों से अपने सेपरेट करके डाल रहा हूं। ये अच्छे से सौते हो चुका है। शिमला मिर्ची और हमारा ऑनियन अच्छे से नरम हुआ है अभी इस तेल में, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूं ये जो लैडल आप देख रहे हैं, ये लैडल भर के 2 बार मैं इसमें सोया सॉस डाल रहा हूं। उसी लैडल में मैं ऐड करूंगा ग्रीन चिली सॉस और वो भी मैं इसमें 2 लैडल डालूंगा भरकर। व्यूअर्स आपको ये एग्जैक्ट मेजरमेंट यूज करना है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 लैडल रेड चिली सॉस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीजें इवनली मिक्स हो सॉस में।
मैं इसमें अब ऐड करूंगा एक ढक्कन विनीगर, आप दो ढक्कन भी डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। टेस्टिंग पाउडर जो कि एक टेबलस्पून फुल है, व्हाइट पेपर पाउडर दो टेबलस्पून फुल है, दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इस मिक्सचर में एक गिलास भरकर पानी डालना है। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है मैंने इसमें। सॉल्ट आप लास्ट मोमेंट के लिए रखेंगे क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है, तो लास्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं सॉल्ट को। अब मैं इसमें डालूंगा पनीर के फ्राइड पीसेस, ये हमारे पनीर पकोड़ा। बहुत ही बेहतरीन बने हैं और क्रिस्पी, बच्चे तो इसे ऐसे ही खा जाएंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि जो सॉस है पनीर को अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब मैं इसमें डाल रहा हूं दो टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर मिक्सचर को, जिसे हमने पानी में डाइल्यूट किया था। सॉस को थिक करने के लिए हम इसे डालेंगे। देखिए उसके डालते ही किस तरह से सॉस थिक हो चुका है और आपके पनीर को कोट हुआ है, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। और स्प्रिंग ऑनियन हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा रखेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा पनीर चिल्ली है ये। अब बारी आती है फाइनली इसे सर्व करने की। इस क्वांटिटी में आराम से 4 लोग ये पनीर चिल्ली को खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जूसी और मजेदार पनीर चिल्ली, ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से इसका लुक आया है। स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इसका कलर आ चुका है, कितना बेहतरीन लग रहा है ये पनीर चिल्ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसानी से हमने बनाया है घर पे पनीर चिल्ली। डेफिनेटली आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आपका फर्ज बनता है मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय।